मासिक चक्र की ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसमें गर्भधारण के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों है, जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें कि किसी भी सिंपल सी बात है कि महिला को प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि उनको जो ओवुलेशन है। वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी होती है। बहुत बार लोगों का ये सवाल रहता है कि जब मासिक चक्र की ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसमें गर्भधारण के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुल जाता है, सर्विक्स की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो बच्चेदानी के अंदर चला जाएगा, जिससे प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब बात आती है कि क्या पीरियड्स में महावारी की ब्लीडिंग के समय प्रेगनेंसी होती है, तो हाँ होती है, लेकिन हर फीमेल को प्रेगनेंसी पीरियड्स की ब्लीडिंग के टाइम होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम प्रेगनेंसी होती है और किन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है पुरुष का स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा है फीमेल का अंडा, जिसे ओवम बोलते हैं या अंडाणु बोलते हैं। अब जिस दिन अंडा रिलीज होता है उसे हम लोग ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू होती है, मासिक चक्कर की जो ब्लीडिंग है जब शुरू होती है तो उससे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, और अगर आप लोग उस टाइम पर फिजिकल रिलेशन रखोगे तो स्पर्म अंदर चला जाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब देखिए, जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म है, वो अंदर तो चला जाएगा बच्चेदानी के अंदर, लेकिन अगर अंडा अवेलेबल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि अंडे का जो जीवन काल है वो मात्र 24 घंटे तक होता है। कुछ केसेस में ये 48 घंटे का भी होता है, लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि पूरे साइकिल में, पूरे महीने में अंडा अवेलेबल रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन अंडा फूटता है, जिस दिन ओवुलेशन होता है, तो उसके बाद अंडा 24 से 48 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इस बीच अगर फिजिकल रिलेशन हो और स्पर्म अंदर चला जाए तो प्रेगनेंसी रुकती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब बात ये आती है जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि क्या पीरियड्स की ब्लीडिंग के टाइम प्रेगनेंसी होती है, तो हाँ होती है, लेकिन तभी होगी जब फीमेल को जो पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हुई है उस टाइम ओवुलेशन हो, मतलब कि अंडा फूटे। तो किन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम ओवुलेशन होता है, उसको समझने के लिए आप लोगों को पीरियड्स की जो लेंथ है उसके बारे में पता होना चाहिए, और महिलाओं को जो ओवुलेशन है, जो अंडा फूटता है, वो किस टाइम पर फूटता है, इसका पता होना चाहिए। अब महिला को किस दिन ओवुलेशन होगा, मतलब कि अंडा किस दिन फूटेगा, एग्जैक्टली पता करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। तो सपोज करो कि अगर किसी महिला को जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है, मासिक चक्र की जो ब्लीडिंग है, वो किसी भी मंथ की एक तारीख को स्टार्ट हुई है और उनकी जो पीरियड साइकिल की लेंथ है वो 21 दिनों की है, ठीक है, और जो महिला है उनको जो पीरियड्स हैं वो लगभग 8 या 9 दिन रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 21 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ कंफर्म है कि 21 दिनों के बाद उनको पीरियड्स आ जाएगा, मतलब कि 22 तारीख को पीरियड्स आ जाएगा महिला को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 21 से 14 दिन वापस आना है, तो आप लोग 21 20 19 करके वापस आओगे तो 7 तारीख आएगी, ठीक है। तो जो 7 तारीख है उसी दिन के अराउंड, या तो 6 या 7 या 8, उस डेट के अराउंड, उस दिन के अराउंड महिला को ओवुलेशन हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस महिला का जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, उन्हें 1 से 9 दिन तक पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर महिलाओं का शॉर्ट पीरियड साइकिल हो, वहां पर उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग के दौरान ही ओवुलेशन हो जाता है। तो अगर आप लोग पीरियड्स की ब्लीडिंग के टाइम इंटरकोर्स करते हो, फिजिकल रिलेशन रखते हो, तो आप लोग ओवुलेशन के टाइम
फिजिकल रिलेशन रख रही हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें कि किसी भी महिला को जो पीरियड्स हैं वो 1 तारीख को स्टार्ट हुए और उनको जो पीरियड्स हैं वो 5 दिन तक रहते हैं और जो पीरियड साइकिल की लेंथ है वो 30 दिनों की है, तो ओवुलेशन को पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वापिस आना है। 30 से वापिस आओगे तो जो ओवुलेशन है उसकी डेट क्या निकलेगी, 16। तो जो ओवुलेशन है वो 16 के अराउंड होगा, ठीक है, मतलब कि 15 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है और 17 को भी हो सकता है। और जो महिला को जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक हो रही है, और अगर आप लोग पीरियड्स के टाइम फिजिकल रिलेशन रखोगे तो सिंपल सी बात है कि महिला को प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि उनको जो ओवुलेशन है वो 16 तारीख को हो रहा है। लेकिन आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो फीमेल का अंडा है वो 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है, लेकिन जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसका जीवन काल 5 दिनों तक का होता है। तो अगर आप लोग ओवुलेशन से 5 दिन पहले फिजिकल रिलेशन रखोगे तो जो स्पर्म है वो महिला के शरीर में 5 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।